बिहार में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार सरकार की लाख घोषणाओं के बावजूद भी शादियों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम आपको राजधानी पटना के एक ऐसे शादी समारोह में धाए धाए फायरिंग की वह तस्वीर दिखाएंगे जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि आप लाख मना कर ले, लेकिन हर्ष और उत्साह के बीच फायरिंग करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, यह तस्वीर है राजधानी पटना के एयरपोर्ट इलाके के महुआ बाग की, जहां मई के महीने में शादी हुई है और यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर किस तरीके से स्टेज पर बार बालाओं के डांस हो रहा है, भोजपुरी के गाने भी बज रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ठुमके भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ तो ठीक था। इसके बाद जो हुआ वह असंवैधानिक और गैर कानूनी है और लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक सफ़ेद रंग के शर्ट और पैंट में स्टेज पर भोजपुरी गाने पर डांस कर रहा है और कमर से पिस्तौल निकाल कर किस तरीके से हवाई फायरिंग कर रहा है। तमाम जो लोग इस फंक्शन में आए हैं उन सभी के पीछे फायरिंग होती है और सभी देखने लगते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। लेकिन गाने की धुन के बीच फायरिंग की आवाज़ किस तरीके से गूंज रही है यह हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि बड़े से स्टेज पर बार बालाओं का ठुमका चल रहा है, तभी स्टेज पर एक युवक आता है और दूसरे युवक को कुछ बताता है। इससे पहले कि कुछ बताता, उससे पहले ही कमर से पिस्तौल निकाल कर हवाई फायरिंग करता है। फायरिंग के बाद स्टेज पर कोई भी अफरा तफरी नहीं मचती, क्योंकि वहां पर हर्ष फायरिंग है और हर्ष फायरिंग के जरिए अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है कि सरकार का आदेश उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के फंक्शन में गोली चलती है और अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? आपने बिहार के कई इलाकों में इस तरीके की तस्वीर देखी, जहां पर खुशियों का माहौल जो है वह मातम में तब्दील होने में देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी इस तरीके की हरकत ना करें और इस तरह के समारोह में आप उत्साहित होकर कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि किसी को नुकसान हो और ना ही कानून को अपने हाथ में ले। हालांकि इस वीडियो को वायरल होने के बाद अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन इस वीडियो की पड़ताल कर रहा है। साथ ही हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें सच बयां करती हैं, वह झूठ नहीं कहती। इंटीरियर ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। डोंट वरी मैम, बाबूराम का काम एक नंबर होता है। और हाँ, सालों साल चले चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बस आप ये बताइए प्लाई कौन सा लगवाएंगे? कोई सा भी। तब तो मुश्किल होगा सर, कारपेंटर इज एन आर्टिस्ट, अच्छा बनेगा अच्छा दिखेगा, पर सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। स्प्लाइस प्लाई 100% वाटरप्रूफ, टर्माइट प्रूफ, बोरर प्रूफ, हाई क्वालिटी, टफ एंड इंपैक्ट रेसिस्टेंट प्लाई। एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ, तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई ही लगाओ। यस, स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ।